देयर आर टू थिंग्स दैट चेंज माई लाइफ, दो चीज़ों ने मेरी लाइफ को चेंज करा. पहला जो टीचर था, आई मीन शी टॉल्ड मी 3 times वाला प्रिंसिपल कि आपको सब कुछ 3 बार पढ़ना है. द सेकेंड थिंग वॉज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वॉज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. तो जॉन अब्राहम का एक कोट था, सो देर वॉज अ पिक्चर ऑफ जॉन अब्राहम जो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, और जो पिक्चर थी उसमें लिखा था पेन इज टेम्पररी प्राइड इज फॉर एवर. मैं इस कोट को देखता था, सो आई रिटन दिस कोट ऑन माई बेड साइड, एंड वेन एवर आई हैव टू फील लाइक आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेजी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी एनी मोर, देन आई हैव टू लुक एट द कोटेशन एंड आई हैव टू फील. सो अभी जो मेरे साथ हो रहा है दिस इज जस्ट फॉर द प्रेजेंट मोमेंट. Whatever pain I'm feeling because of studies, that is just for the present moment. Yes, if is he moment ke liye hai, after 2 seconds, I will not remember the pain that I have faced in the past. So, hota kya hai ki aapne past mein kitna pain kiya, kitna aapko chot lagi, you might had the kuch aisa fracture hua, maybe some mental pain, maybe some physical pain, any kind of pain whatsoever. Right now, in this present moment, आपको उस पेन की फीलिंग भी याद नहीं होगी. यू विल नॉट इवन रिमेंबर द फीलिंग ऑफ द पेन दैट यू सफर्ड इन द पास्ट, राइट? सो आई फॉलोड दिस प्रिंसिपल. वेन एवर आई यूज टू स्टडी, इट्स मोर लाइक राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई माइट बी हैविंग पेन, बट आई डू नॉट इवन रिमेंबर द पेन दैट आई सफर्ड इन द पास्ट, राइट? सो मे बी 2 seconds ago आई वॉज हैविंग अ हेडेक, आई डू नॉट इवन रिमेंबर वट दैट हेडेक फेल्ट 2 seconds ago. आई जस्ट नो माई करेंट सिचुएशन, सो आई हैव टू लिव माई प्रेजेंट. आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन माई पास्ट. चाहे पास्ट में कुछ भी हो, वट एवर हैपन इन द पास्ट, मे बी इट वॉज अ गर्ल, मे बी इट वॉज सब्जेक्ट, मे बी इट वॉज लाइक स्कूल और एनी थिंग, वट एवर हैपन इन द पास्ट, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज गॉन. वट इज इन योर कंट्रोल इज योर प्रेजेंट, एंड यू हैव टू लिव योर प्रेजेंट. दैट्स इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.